देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब इस बात की चर्चा होने लगी कि अगले हफ्ते नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने के बाद उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है। इनमें सबसे चर्चित नाम है गांधीनगर से भारी मतों से जीते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का। अमित शाह को कोई प्रमुख मंत्रालय मिल सकता है तो कई अन्य मंत्रियों को उनके काम का इनाम देते हुए तरक्की हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि लोकसभा में पहली बार पहुंचने वाले शाह को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि CCS में PM के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश और वित्त विभाग के 4 शीर्ष मंत्री शामिल हो सकते हैं। यानी शाह इनमें से कोई एक मंत्री बन सकते हैं। गौरतलब है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के सीएम रहने के दौरान अमित शाह उनकी सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इसकी भी चर्चा है कि अमित शाह को केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन मोदी की पहली सरकार में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह इस बार भी लखनऊ से जीते हैं और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।